दोस्तों, अरब सागर से उठे बिपरजॉय चक्रवाती तूफान ने देश के पश्चिमी इलाकों में चिंता पैदा कर दी है। और बिपरजॉय जो चक्रवाती तूफान है उसको लेकर मैं अगर आपको ताजा अपडेट दूं तो महज कुछ घंटों बाद ये तूफान गुजरात के जखाऊ तट से टकराएगा, जहां पर लैंड फ्लो होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो स्पीड होगी, जब ये लैंड फ्लो करेगा, गुजरात के जखाऊ तट पर लैंड फ्लो करेगा, तब इसकी स्पीड 150 से अधिक बताई जा रही है। और अब तक गुजरात में 70,000 से अधिक लोगों को दूसरी जगह शिफ्टिंग करवाया गया है। हालांकि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वॉर रूम स्थापित किया गया है। नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे जो तूफान है चक्रवाती, इसको लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं वॉर रूम में, और लगातार ये देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सरकार की ये मंशा है कि इस पूरे के पूरे बिपरजॉय तूफान को लेकर कोई जीरो कैजुअलिटी हो, और इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और ताजा अपडेट दे दूं कि ये जो तूफान है दोपहर को करीब 2 बजे गुजरात के जखाऊ तट पर ये लैंड फ्लो करेगा, और वहां पर टकराने के बाद कराची में भी तबाही मचाएगा। हालांकि देश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार मुस्तैद हैं, और तमाम प्रकार के जो एहतियात बरतने होते हैं वो बरत दिए गए। और इसी के चलते अगर राजस्थान की इस तूफान की बात करें तो राजस्थान के कई जिलों में इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। और अगर बाड़मेर और जोधपुर की बात करें तो बाड़मेर और जोधपुर में 16 और 17 को रेड अलर्ट जोन घोषित किया है। इसके अलावा कई और जिले हैं वो भी प्रभावित होंगे, चाहे जैसलमेर की बात करें, पाली, जालौर, सिरोही की बात करें। तो इस प्रकार जो बाड़मेर और जोधपुर जिला है जहां पर 16 और 17 को रेड अलर्ट है वो घोषित कर दिया गया है। और बाड़मेर की व्यवस्थाओं की बात करें तो बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जिला प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, और ऐसी कई जगह हैं जिनको चिन्हित किया गया है। अगर वहां पर भयंकर तूफान आता है, कच्ची बस्ती के जो लोग हैं उनके आशियाने उजड़ जाते हैं, तो उनको कहां शिफ्टिंग किया जाए, इसके लिए कई स्कूलों को और धार्मिक जो स्थल है, चाहे सेवा सदन है, इस प्रकार के तमाम जो जगह है वहां धर्मशालाओं को चिन्हित किया गया है और वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी बिपरजॉय तूफान को लेकर ताजा अपडेट ये है कि कुछ घंटे बाद बिपरजॉय तूफान गुजरात के जखाऊ तट में टकराने वाला है। वहां पर जो है लैंड फ्लो होगा, और इसी के चलते वहां पर 70,000 से अधिक लोगों को शिफ्टिंग करवा दिया गया है। और बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से भी इस तूफान को देखते हुए माकूल व्यवस्थाएं जो है वो कर दी गई है। और अभी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हमारी अपील है कि इस तूफान को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी, मेघ गर्जनाएं होगी और तेज आंधी भी चल सकती है। ऐसे में तमाम प्रकार की जो है वो लोग सावधानी बरतें। और बिपरजॉय तूफान को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, एसडीआरएफ की टीम है वो भी बाड़मेर पहुंच चुकी है, अलग अलग जगहों पर जो है कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई हैं। बाड़मेर के जिला कलेक्टर जो है अरुण कुमार पुरोहित, वो स्वयं इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।